नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट, आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। बुलेटिन की शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेत और एशियाई बाजार से शुरुआत करेंगे। एशियाई बाजार की फिलहाल शुरुआत जो है सुस्ती के साथ होती हुई दिख रही है। एसडीएक्स निफ्टी यहां पर आप देखें 118 अंकों की बिकवाली के साथ 17,843 के स्तरों पर ट्रेड करता हुआ। वहीं यहां पर डाउ फ्यूचर्स में भी आप देख पाएंगे करीब 170 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। निक्केई में 270 अंकों की बिकवाली। बीती रात अगर अमेरिकी बाजार के ट्रेंड को देखेंगे वहां पर भी हमने देखा उतार चढ़ाव के बीच कमजोरी के साथ ही बाजार में ट्रेड दिखा। डाउ, एसएनपी और नैसडैक में लाल निशान के साथ क्लोजिंग दिखी। 100 अंकों के करीब नैसडैक में गिरावट और 250 अंकों के करीब डाउ में भी बिकवाली का दबाव देखने को मिला। क्या कुछ है जो कि विदेशी बाजार में सुस्ती दिखा रहे हैं, कौन से ट्रिगर्स हैं जो अहम हैं और किसकी वजह से गिरावट हावी होती हुई दिख रही है, जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार के संकेत आज हम देख रहे हैं बिकवाली। बिकवाली है, थोड़ी कमजोरी है ऐसी कोई, जैसे कि अब अनिल सर भी कह रहे हैं कि इतनी बड़ी तेजी आ गई तो अब परसेंटेज में देखिए, पॉइंट वाइज देखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो परसेंटेज में देखेंगे तो 1% से कम गिरावट आपको दिख रही है। एसजीएक्स निफ्टी 1% नीचे है। डाउ फ्यूचर्स भी करीब उतनी ही गिरावट आपको दिखा रहा है और बाकी के एशिया के बाजारों में भी आपको सुस्ती दिख रही है। कोरिया थोड़ा ज्यादा कमजोर है क्योंकि कल कोरिया के बाजार बंद थे तो इसलिए उसका थोड़ा ज्यादा रिएक्शन है। और हांगकांग और चीन में तो हम देख रहे हैं उनकी लोकल परेशानियां हैं, तो 1 से 1.5% की वीकनेस वहां से आपको आती हुई दिख रही है। पर हां, कल शाम अगर आप अमेरिकी बाजारों को भी देखें तो यहां पर भी हमने देखा डाउ करीब 250 अंक फिसलकर बंद हुआ। अगेन परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कोई ऐसी ज्यादा गिरावट डाउ में आपने नहीं देखी है, पर दिन के निचले स्तर पर अमेरिकी बाजार बंद हुए और लगातार दूसरे दिन कमजोरी रही है। डाउ के अलावा एसएनपी 500, नैसडैक, इनका जो स्मॉल कैप इंडेक्स है रसल 2000, यहां पर भी हमने देखा करीब 0.5% से ज्यादा की गिरावट आती हुई दिखी है। लगभग सभी सेक्टर्स पर आपने बिकवाली देखी है। 11 में से 9 सेक्टर्स कल नीचे बंद हुए हैं। आईटी शेयर्स में सबसे ज्यादा गिरावट थी, पर इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स यहां पर भी आपने कमजोरी आती हुई देखी है। एनर्जी शेयर्स यहां पर भी आपने थोड़ी कमजोरी देखी है। और दिन का सेकेंड हाफ ज्यादा कमजोर था। फर्स्ट हाफ में बाजार ठीक थे, संभले हुए थे, बल्कि थोड़ी गेंद से दिखा रहे थे। सेकेंड हाफ में थोड़ी गिरावट आई है। नतीजों का सीजन शुरू हो रहा है तो उससे पहले निवेशक थोड़े सतर्क होते हुए आपको दिख रहे हैं अमेरिकी मार्केट्स में। और कल से कुछ बड़े बैंक्स के नतीजे आना शुरू होंगे तो वहां पर सबकी नजर बनी हुई है। अमेरिकी बॉन्ड मार्केट्स कल बंद थे बट वैसे काफी हायर लेवल्स पर हैं। अगर आप पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड देखें 1.61% के करीब, तो देखना पड़ेगा कि आज छुट्टी के बाद बॉन्ड मार्केट्स कैसे रिएक्ट करती हैं। यूरोप में मिला जुला आपने कारोबार देखा, कुछ ज्यादा वहां पर बड़ा एक्शन नहीं हुआ। कच्चे तेल में एक्शन जारी है, कल शाम थोड़ा उछला था पर फिलहाल अगर आप देखें तो $83 के ऊपर ही ब्रेंट कायम है, जो इसकी 3 साल की ऊंचाई है। नजर रखिए नेचुरल गैस के दामों में थोड़ा आपने गिरावट आती हुई देखी है, तो देखेंगे कि क्या वो ट्रेंड आज बरकरार रहता है या नहीं। सोने पर दबाव है, वापस $1,750 के करीब आ गया है। वहीं डॉलर इंडेक्स पर रखिए नजर क्योंकि यहां पर लगातार आप तेजी बनते हुए देख रहे हैं। 1 साल से ज्यादा की ऊंचाई के पर आपको डॉलर काफी ज्यादा करेंसीज के मुकाबले आते हुए दिखेगा, तो नजर रखनी पड़ेगी डॉलर इंडेक्स पर। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया विदेशी बाजार के संकेत हमें बताने के लिए। तो जिस तरह से भारतीय बाजार में रिजल्ट नतीजों की शुरुआत हुई, ठीक वैसे ही विदेशी बाजार में भी रिजल्ट सीजन है जिसका एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ फिलहाल हम देख रहे हैं। ज्यादातर जो सेक्टर्स हैं 11 में से 9 सेक्टर्स वहां पर बिकवाली दिखा रहे थे, जिसके चलते यहां पर गिरावट हावी होती हुई अमेरिकी बाजार में हमने देखी। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और भारतीय बाजार के लिए एक एक करके जो भी कुछ जरूरी है वो समझने की कोशिश करते हैं। FIIs, DIIs का एक्शन पहले, उसके बाद स्ट्रेटजी और फिर खबरों वाले शेयर्स की तरफ बढ़ेंगे। फंड एक्शन जान लीजिए, बिकवाली के आंकड़े आए हैं FIIs और DIIs दोनों की ही तरफ से। कैश मार्केट में FIIs ने 1,303 करोड़ की बिकवाली की है। वायदा बाजार में FIIs ने 1,915 करोड़ की बिकवाली की है। वहीं 373 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में DIIs की तरफ से आती हुई दिख रही है। तो क्लियरली FIIs DIIs की बिकवाली के आंकड़े कल के कारोबारी सत्र में फंड एक्शन संस्थागत निवेशकों ने बिकवाली ही की है। चलिए ये तमाम संकेतों को लेकर चलते हैं। अब हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जुड़ेंगे और उनसे फिर जानने की समझने की कोशिश करते हैं कि आज दिन की शुरुआत कैसी होगी और शुरुआत में स्ट्रेटेजी क्या बनाई जाए। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार में कमजोरी के संकेत फिलहाल दिख रहे हैं, वहीं फंड एक्शन भी सर बिकवाली के आंकड़े FIIs DIIs की तरफ से हैं। ये तमाम संकेतों को आज के लिए कैसे समझें, आज के लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा भारतीय बाजार पर और स्ट्रेटेजी क्या बनाएं? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए वैसे तो बाजारों का ट्रेंड बहुत ही मजबूत है। कल सारे इंडेक्स मिड कैप, स्मॉल कैप, सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी ने रिकॉर्ड हाइज बनाए, इंट्राडे में भी क्लोजिंग बेसिस पे भी, और 18,000 के आंकड़े को पहली बार हमने छुआ है, तो ऐसा तो कोई खास कमजोरी के संकेत है नहीं। हाँ ये जरूर है कि क्योंकि
थोड़े ग्लोबल मार्केट से संकेत कमजोर है, डाउ फ्यूचर्स नीचे, तो एक हल्का फुल्का रनिंग करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है जो कि बाजार की सेहत के लिए अच्छा भी है। तो उस करेक्शन में निचले स्तरों पर खरीदारी करने की एक राय होगी। मुझे लगता है पहला जो सपोर्ट है बाजारों के लिए आज 17,750-17,800 की रेंज में आता है, और इस रेंज में अगर बाजार आते तो यहाँ से खरीदारी की शुरुआत करनी चाहिए, तो बहुत ज्यादा कमजोरी होगी इसकी संभावना नहीं है, क्योंकि निचले स्तरों पर लगातार खरीदारी आपको मिल रही है। ऊपरी स्तरों पर 18,050-18,100 हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग रेंज है, वहां पर आने पर आप थोड़ी प्रॉफिट बुक करिए, फिर से इंतजार करिए निचले स्तरों का। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 38,000 के ऊपर कल फिर से एक बार बंद दिया है, लाइफ टाइम हाई पर हम बंद हुए हैं। 37,900-38,100 पहले तुरंत सपोर्ट का काम करेगा, और कमजोरी का पहला संकेत तभी होगा जब इस रेंज को तोड़कर नीचे ट्रेड करना शुरू करे, और ऊपरी स्तरों पर 38,500 जिसके आसपास कल हम पहुंचे थे, 38,650 ये 150 पॉइंट की रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। सो आज के सेशन में ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ी सी कमजोरी, थोड़ी सी प्रेशर शुरुआती कारोबार में आपको दिग्गजों में देखने को मिले, तो मेरा ये समझना है मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों पर आपको फोकस करना चाहिए, और वहाँ पर एक्शन आपके लिए भरपूर होता हुआ नजर आएगा, और मौके भी ज्यादा बेहतर वहीं पर मिलेंगे। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये स्ट्रेटजी और बाजार पर आपका आउटलुक हमें समझाने के लिए। तो क्लियरली शुरुआत कमजोरी के साथ होने के आसार नजर आ रहे हैं, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में एक्शन जरूर देखने को मिलेगा। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स पर जरूर नजर रखें, भारतीय बाजार की अपनी ही तेजी है जिस पर बाजार रिएक्ट करते हुए जरूर दिखेंगे, लेकिन जो ट्रिगर्स हमें मिल रहे हैं उसे भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। विदेशी बाजार कमजोरी के संकेत हैं, वहीं फंड एक्शन भी कमजोरी की तरफ यहां पर बिकवाली के आंकड़े दिखाते हुए। ट्रेडिंग रेंज को ध्यान में रखें, 17,750-17,800 निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे, वहीं 18,050-18,100 इस दायरे को आप निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज के तौर पर मानकर चलें। बैंक निफ्टी की जहां हम बात कर रहे हैं, 37,900-38,100 इस दायरे को आप मजबूत सपोर्ट के तौर पर मानकर चल सकते हैं, वहीं 38,500-38,650 बैंक निफ्टी के लिए ये ऊपरी रेंज का काम करेंगे। तो चलिए, ये तो हो गई स्ट्रेटजी, विदेशी बाजार के संकेत और फंड एक्शन, लेकिन खबरों वाले शेयर्स और साथ ही ट्रिगर्स, और अब नतीजों के सीजन की भी शुरुआत हो चुकी है, तो एक एक करके नतीजे भी आना शुरू हो गए हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं। डेफिनेटली कुछ नतीजे आए हैं, कुछ आने वाले हैं, तो अब से वो शुरुआत तो हो चुकी है, तो कैश के फिलहाल तो आ रहे हैं कुछ, तो आज जो आने वाले हैं उसमें जीएम बेवरीज और भंसाली इंजीनियरिंग है, तो यहाँ पे आपको नजर रखनी है, ये कुछ नतीजे आज आने वाले हैं कैश में। इसके अलावा अगस्त का आईआईपी और सेप्टेम्बर का सीपीआई का आंकड़ा जो है वो भी आएगा। कोल और माइनिंग मंत्री प्रहलाद जोशी और पावर और रिन्यूएबल एनर्जी मंत्री आरके सिंह जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं आज, इस तरह की खबरें हैं, तो यहाँ पे नजर रखिएगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री की प्री बजट मीटिंग जो है उसकी आज से शुरुआत होने वाली है। यूनियन गवर्नमेंट जो है वो करीब 40 नई कोयला माइंस जो है उनके ऑक्शन करेगी आज से। इसके अलावा G20 समिट में पीयूष गोयल जो है वो चीन के ट्रेड मिनिस्टर से मुलाकात करेंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 28th नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन फाउंडेशन डे प्रोग्राम जो है उसमें कहीं ना कहीं शिद्दत करने वाले हैं, हालांकि वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए ये करने वाले हैं। वही टाटा सन्स जो है उसकी आज बोर्ड बैठक है, एयर इंडिया का जो प्लान है उसको लेके एजेंडा जो है उसके ऊपर कहीं ना कहीं ये बैठक है, और आज शाम को कैबिनेट और CCEA की भी बैठक है, 6 बजे बैठक है। कुछ पोस्ट मार्केट रिजल्ट आए हैं जिसमें डेल्टा कॉप नंबर्स वीक है, यहाँ पे रेवेन्यूज जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी करीब 1.5% गिरे हैं, और कंपनी ने एबिटा लॉस किया करीब 19 करोड़ के आसपास का, बॉटम लाइन पे करीब 22-22.5 करोड़ के आसपास का नुकसान किया कंपनी ने। टाटा मेटालिक्स ऑपरेशनली ये भी वीक है, रेवेन्यूज जो है करीब 24% बड़े हैं, लेकिन कंपनी के जो मार्जिन है वो गिरे हैं, 21.1% से गिर के 15.5% पे आए हैं। मुनाफा जो है कंपनी का 54.6 करोड़ पे आया है, ये भी करीब 33-34% के आसपास की गिरावट दिखा रहा है। कृष्णा डायग्नोस्टिक हाल ही में लिस्टेड कंपनी, वीक नंबर्स है इस कंपनी के भी, रेवेन्यूज 28% गिरे हैं, मार्जिन जो है हालांकि वो बढ़े हैं 28.5% से बढ़ के करीब करीब 29.5% पे आए हैं। मुनाफा जो है 22-23 करोड़ से घट के करीब 12.5 करोड़ के आसपास आया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पे इस कंपनी ने अपना बिजनेस अपडेट दिया है, ग्रॉस लोन बुक जो है साल दर साल और क्वार्टर क्वार्टर 3-4% बड़े हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स जो ये कंपनी प्रोवाइड करती है उसमें क्वार्टर क्वार्टर करीब 11% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा रिटेल डिपॉजिट्स 12% बड़े हैं, वहीं कासा रेशियो जो है 16% से बढ़ के 22% पे आया है। टाटा मोटर्स, इस कंपनी ने अपने Q2 का ग्लोबल होलसेल का डेटा जो है उसका अपडेट दिया है, यहाँ पे जो ग्लोबल होलसेल बिक्री है वो 24% बढ़ के 2.51 लाख यूनिट के आसपास निकल के आई है। डिवीज लैब, इस कंपनी के लिए अपडेट आया है कि मर्क ने कोविड की दवा मोलन्यूपिराविर के लिए US FDA से मंजूरी मांगी है, ये पहली एंटीवायरल कोविड पिल होगी।
मंजूरी मिलने पर अमेरिकी सरकार $700 प्रति कोस पर 1.7 मिलियन डोसेस जो है वो खरीद सकती है। डिवीज लैब मर्क का सबसे बड़ा एपीआई सप्लायर है, इसके लिए आपको डिवीज में नज़र रखनी है। और भारत डायनेमिक्स यहाँ पे नज़र रखिएगा, क्योंकि LIC ने कंपनी में 2% हिस्सा बेचा है। LIC का हिस्सा जो है 10.5% से गिर के अब 8.45% पे आया है। आठ सितंबर से करीब 8 अक्टूबर के बीच में, यानी कि एक महीने के दौरान ये हिस्सा जो है वो LIC की तरफ से बेचा गया है भारत डायनेमिक्स। ये तो खबरें हैं, लेकिन वरुण, GM ब्रूवरीज वैसे नॉर्मली रिजल्ट सीजन की शुरुआत करता है, लेकिन इस बार क्रेडिट TCS ने ले लिया। डेफिनेटली इस बार क्रेडिट TCS ने ले लिया, 2-3 दिन ही, ज्यादा नहीं, 2-3 दिन लेट हुआ है। चलिए, तो आज GM ब्रूवरीज के नतीजे हैं जिस पर फोकस रहेगा, और इसके अलावा डेल्टा कॉर्प, कृष्णा डायग्नोस्टिक, टाटा मेटलिक्स के कल नतीजे बाजार बंद होने के बाद आते हुए दिखे। वीक नंबर्स हैं, आज स्टॉक में क्या मूवमेंट है जानना जरूरी होगा। ट्रिगर्स भी कई सारे और खबरों वाले शेयर्स भी भरपूर हैं जिस पर हमें नजर रखनी है। जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा ने ऑप्शंस की दमदार रणनीति बताई है, आइए देख लेते हैं। दो कंपनियों लेकर आया हूं, एक पहली तो है पिडिलाइट और दूसरी कंपनी है वेदांत। तो पिडिलाइट के अंदर 2500 की कॉल आपको लेनी है, स्टॉप लॉस रखिए ₹35 का, टारगेट आपका रहेगा इसमें ₹71। दूसरी तरफ जो मेटल कंपनीज हैं उनके अंदर रिकवरी थोड़ी बहुत देखी गई, तो मेटल से दूसरी कंपनी चुन के लाया हूँ वेदांत। तो इसमें 300 की कॉल आप करीब ₹11.80 भी जो कॉल क्लोज हुई है आप वहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस आपका ₹8.50 रहेगा और टारगेट इसमें रहेगा करीब ₹17.50 का। ठीक है, तो शर्मा जी की तरफ से दो ऑप्शंस की कॉल पर डिलाइट और वेदांता पर। अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट पर डिलाइट 2500 की कॉल खरीदने की राय, यहां पर टारगेट 71 के, स्टॉप लॉस 35 का लगाकर चलना होगा। और वेदांता लिमिटेड अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट 300 की कॉल खरीदने की राय, टारगेट ₹17.50, ₹8.50 का एक स्टॉप लॉस लगाकर चलें। दो ऑप्शंस की दमदार रणनीति, अब चलिए चार ट्रेडिंग कॉल्स आज के लिए आपको बता देते हैं जहां पर खरीदारी का मन बनाकर आप चल सकते हैं। इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से चॉइस ब्रोकिंग की राय से शुरुआत करेंगे। NMDC में खरीदारी की राय 160 के टारगेट्स को आप मानकर चल सकते हैं। खरीदारी अगर करके चल रहे हैं 149 का एक स्टॉप लॉस यहां पर जरूर लगाना होगा। इसके अलावा आनंद राठी की राय हैवल्स पर है, खरीदारी का मन बनाए 1430 के टारगेट्स के लिए 1360 का एक स्टॉप लॉस यहां पर लगाना बिल्कुल ना भूलें। सेंट्रम ब्रोकिंग, इंडियन बैंक और BPCL दोनों पर ही खरीदारी की राय दे रहे हैं। इंडियन बैंक पर 152 के टारगेट्स को मानकर चले ₹142.50 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। वहीं BPCL पर खरीदारी का मन बनाया जा सकता है 470 के टारगेट्स के लिए 445 का यहां पर आप एक स्टॉप लॉस लगाकर चलें। तो ट्रैक चार ट्रेडिंग कॉल्स और साथ ही दो ऑप्शंस की दमदार रणनीति, लेकिन बाजार पर आपकी स्ट्रैटेजी क्या हो, किन शेयरों में आज आप पैसे लगा सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ kiranjadav.com के आशीष केलकर अब जुड़ गए हैं। आशीष जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। इंडेक्स पर आज के लिए भारतीय बाजार, कल तो शानदार मूव्स हमने देखे, आज डोमेस्टिक मार्केट्स कैसे नजर आ रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी जी, देखिए जिस तरह के ग्लोबल बाजार है तो मैं मानता हूँ थोड़ा नेगेटिव ओपनिंग होने की संभावना है, तो मैं एक रेंज देना चाहता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। निफ्टी के लिए जो रेंज रहेगा वो 17,840 नीचे की तरफ सपोर्ट होगा और 18,000 ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस होगा, ये मेक और ब्रेक लेवल्स होंगे। बैंक निफ्टी की बात करें तो 38,100 ये नीचे का सपोर्ट का काम करेगा और ऊपर की तरफ 18,500 ये मेक और ब्रेक लेवल रहेंगे। इनके नीचे या तो शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए या 38,500 के ऊपर लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करने की सलाह होगी। मैंने स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखने का डिसीजन लिया है, मैंने एक ही स्टॉक चुना है जहां पे मेरा कन्विक्शन है। मुझे BEL अच्छा लग रहा है तो BEL का फ्यूचर खरीदारी करने की सलाह होगी। 209 के आसपास मिलता है तो बेहतरीन ट्रेड साबित होगा। मेरा स्टॉप लॉस 206 का रहेगा और मेरा एक लक्ष्य रहेगा ₹215 का। ओके, तो क्लियरली स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच आशीष जी कह रहे हैं अपना कर चलना चाहिए। आज जिस तरह से विदेशी बाजार के संकेत है उसका असर कहीं ना कहीं जरूर पड़ता हुआ भारतीय बाजार पर भी दिखेगा। BEL फ्यूचर्स में खरीदारी की राय 215 के टारगेट्स के लिए 206 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। आशीष जी, सेक्टर्स पर आपका नजरिया जानना चाहूंगी और पर्टिकुलरली IT पर, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से शुक्रवार के दिन भी IT स्पेस परफॉर्म नहीं कर पा रहा था और कल के ट्रेडिंग सेशन में भी जहां बाजार में तेजी थी IT में हमने बिकवा ली। इनफैक्ट TCS के नंबर्स पिक के बाद ये कॉन्शियसनेस है। इन लेवल्स को देखते हुए क्या कहीं कोई स्टॉक जिस पर एंट्री लेने का मौका बन रहा है? देखिए IT स्टॉक तो डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहे, लेकिन मेरे रडार पर जो आया है वो है Mindtree। Mindtree एक कंसोलिडेशन के बेस के नीचे आके, बेस के यहीं पे आके रुका है, तो मैं मानता हूँ यहाँ पे एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, तो Mindtree में खरीदारी करने की सलाह होगी।
4275 का कल का क्लोजिंग है। मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो बहुत ही नजदीक का रहेगा, मेरा स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 4210 का, 4210 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और मैं मानता हूँ कि करीबन 4400 का पहला लक्ष्य रहेगा और 4440 का दूसरा लक्ष्य रहेगा, तो माइंट्री में खरीदारी करने की सलाह। बिल्कुल, और साथ ही जीएम ब्रूवरीज पर एक बार आपका एक क्विक आउटलुक जानना चाहेंगे, नतीजे हैं आज कंपनी के, नतीजों से पहले जो ट्रेड हम स्टॉक में देख रहे हैं क्या लगता है? करंट लेवल 777 पर करीब 1% की तेजी है। सॉरी मंत्री जी, मैं स्टॉक का नाम नहीं सुन पाया, कौन से स्टॉक के बारे में? आशीष जी, जीएम ब्रूवरीज, आज कंपनी के नतीजे आने वाले हैं, कल के सेशन में करीब 1% की बढ़त स्टॉक ने दिखाई थी। ओके, जीएम ब्रूवरीज का अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो मैं मानता हूँ यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन उछाल हमने पिछले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में देखा है। ऑलरेडी स्टॉक 570-800 रुपए तक पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में गया है, तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट आएगा, यानी करेक्शन होगा, प्रॉफिट बुकिंग होगा। मैं मानता हूँ ये प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन जो होगा ये नई खरीदारी करने का मौका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। खरीदारी करने की सलाह है 750 से 725 के बीच में, अगर हमें ये स्टॉक मिलता है तो वापस एक बार हम 825 से लेके 870 के दो लेवल्स मुझे चार्ट के ऊपर टारगेट के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। जिनके पास ऑलरेडी ये स्टॉक है, 725 का स्टॉप लॉस है, थोड़ा डिप डाउन है लेकिन बेहतरीन स्टॉप लॉस साबित होगा, तो जिनके पास है 725 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर। बिल्कुल आशीष जी, शुक्रिया आपने रिकमेंडेशंस बताने के लिए, सेक्टर्स पर नजरिया बताने के लिए और साथ ही रिजल्ट जिस कंपनी का आने वाला है उस पर भी एक बार अपना आउटलुक बताने के लिए। अजय जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले बुलियन मार्केट, गोल्ड सिल्वर में जो लेवल्स हम देख रहे हैं, क्या सिचुएशन लग रही है और डोमेस्टिक मार्केट्स में गोल्ड और सिल्वर पर क्या रणनीति अपनाई जाए? वेरी गुड मॉर्निंग, अगर गोल्ड सिल्वर की बात करें तो पिछले हफ्ते हमने नॉन फार्म पेरोल का जो डेटा आते हुए देखा, उसका कहीं ना कहीं सपोर्ट गोल्ड को मिलता हुआ दिखाई दिया, बट हमने देखा जो पार्टिसिपेशन थे उनमें कम होने की वजह से प्राइस में फिर से एक फॉल आता हुआ दिखाई दिया। कल के सेशन में भी सोने चांदी में तेजी जरूर थी बट उसका कारण रुपया था, रुपये में हमने एकाएक जो गिरावट आते हुए देखी, ये कहीं ना कहीं गोल्ड और सिल्वर को डोमेस्टिक मार्केट से सपोर्ट दे रहा था। आई थिंक मार्केट एक सीमित दायरे में, जब तक कोई बड़ा ट्रिगर नहीं आता, चाइना का भी प्रॉपर्टी कंसर्न अभी भी ओवरहेल कर रहा है, आज के लिए बाय और ड्रॉप की रणनीति बना के चलना चाहिए। गोल्ड में 46,750 के करीब लेके चलिए, अपसाइड लिमिटेड रहेगा बट 47,100 से 47,350 का रेंज रहेगा। वहीं चांदी की बात करें तो बेस मेटल में कल हमने जो रैली आते हुए देखी उसका कहीं ना कहीं सपोर्ट चांदी को मिलना चाहिए। बाय ऑन ड्रॉप की स्ट्रेटेजी चांदी में भी रखेंगे, जो 61,300 के करीब लेके चलेंगे, 60,800 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 62,000 से 62,600 तक का एक अपसाइड जंप देखने मिल सकता है। बिल्कुल अजय जी, कच्चे तेल की चाल जो हम देख रहे हैं $83 के पार ब्रेंट, और वहीं बेस मेटल्स में जो उतार चढ़ाव है, क्रूड और बेस मेटल्स पर आपकी राय क्या होगी? जी, अगर सबसे पहले कच्चे तेल की अगर बात करें तो कच्चे तेल में हमें लगता है अभी भी रैली अब और हो सकता है, बट टेक्निकली मार्केट ओवरबॉट है, इसकी वजह से बार बार में एक करेक्शन आता है बट उस करेक्शन पे फिर बाइंग वापस दिखी जा सकती है। तो कल के रैली के बाद आज एक थोड़ा पुल बैक ग्लोबल मार्केट में दिखा रहा है, तो हमें लगता है 61,20 के करीब का अगर पुल बैक, सॉरी 61,20 तक मिलता है तो वहाँ पे बेच के चलिए, एक पुल बैक एक्सपेक्टेड है जो 5,960 का रहेगा, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा ओपी के जो स्टेटमेंट आए थे वो कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट ही करे, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगा बट दैट विल टेक टाइम, तो ओवरऑल बाय ऑन ड्रॉप रहेगा। आज थोड़ा एक पुल बैक दिखा सकता है, 59,60 के लिए बेचना चाहिए। वहीं अगर बेस मेटल में देखें तो अभी भी रैली अब सब जगह पे है बट निकल में कल हमने देखा कि प्राइजेस में अच्छी रैली के बाद एक प्राइजेस में पुल बैक आता हुआ दिखाई दिया, तो निकल के अंदर हमें लगता है 1500 को बेचना चाहिए, 1512 का स्टॉप लॉस रखिए, एक छोटा पुल बैक रह सकता है जो 1465 तक का लेवल दिखा सकता है। बिल्कुल अजय जी, शुक्रिया ये जानकारी के लिए और अपने रिकमेंडेशंस तमाम कमोडिटीज पर हमें बताने के लिए। चलिए कमोडिटी और इक्विटी मार्केट्स पर एक्सपर्ट्स का नजरिया हमने जाना, लेकिन अब वक्त है ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जानने का, रुक करते हैं एफआईआर का। आशीष है हमारे साथ, गुड मॉर्निंग आशीष, बताएं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कौन सी हैं? गुड मॉर्निंग मानसी, देखिए जेपी मॉर्गन की तरफ से दो मेटल स्टॉक्स के ऊपर रिपोर्ट आई है। हालांकि रिपोर्ट्स में अगर आप देखें तो कुछ खास मेंशन नहीं किया, लेकिन जो इनके टारगेट प्राइस हैं इन्हें रिवाइज किया गया है, उसका असर देखने को मिल सकता है। सबसे पहले देखिए वेदांता, यहाँ पर जो रेटिंग है इसे न्यूट्रल से बढ़ाकर अब ओवरवेट की राय दे रहे हैं और लक्ष्य भी बढ़ाया उन्होंने, 295 से लक्ष्य को बढ़ाकर सीधे 400 रुपये कर दिया है। वहीं अगर नालको पर देखें तो यहाँ पर भी सिमिलरली आप देखिए अंडरवेट से अब न्यूट्रल की राय दे रहे हैं, यानी रेटिंग को अभी भी अपग्रेड किया गया है और जो टारगेट है वो पहले 46 का था, हालांकि स्टॉक में काफी ज्यादा और काफी बढ़िया तेजी ऑलरेडी आ चुकी है, अब टारगेट प्राइस को इन्होंने रिवाइज किया, 104 रुपए के आसपास का लक्ष्य दिया, 96 कल की क्लोजिंग है,
यानी मौजूदा भाव से अगर आप देखें तो करीब करीब 8% की जो अपसाइड है ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। बिल्कुल आशीष शुक्रिया ये ब्रोकरेज रिपोर्ट में बताने के लिए। इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेडर्स डायरी, 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज 10 मिनटों में। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।